हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। देखिए, इस लेक्चर से पहले के हमारे फाइन आर्ट के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स और ये सब करने से पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इस्लाम जो भारत में आया और स्पेन में फैला, 7वीं 8वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, मुस्लिम ट्रेडर्स मर्चेंट हमारे इधर आए और उन लोगों ने कॉन्क्योर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश करना और स्टार्ट कर दिया। और ये रिलीजन जो है ये 600 साल तक ऐसे ही स्प्रेड होता रहा। 13वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड आया उस टाइम पे तुर्किस जो स्टेट था, तुर्किस एम्पायर जो थे, उन लोगों ने हमारे यहाँ पे कॉन्क्विस्ट किया नॉर्थ इंडिया को और वहीं पे बस गए। देखिए, आपको जो मुस्लिम है आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उनका कुछ अपना जैसे लोकल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है और हमारा जो ट्रेडिशन है उनको जो मिला के उसके बाद एक नई जैसे आर्किटेक्चरल फॉर्म इवोल्व हुई, उसको कहा गया इंडो सारसेनिक या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो हिंदू हैं वो बिलीव करते हैं कि बहुत सारे गॉड हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं और उनके जो आपको कहीं पे भी रिलीजियस मोटिव्स डेकोरेशन जो भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी सरफेस में। लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उनकी जो मेनली मतलब जो आर्किटेक्चर है उनमें आपको एराबेस्क, कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं कैटेगरीज की इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखिए, कैटेगरीज के हम अगर बात करें तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ इम्पीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल और उसके बाद हम बात करें तो मुगल स्टाइल है, डेक्कनी स्टाइल है। इम्पीरियल जो स्टाइल है उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एम्पायर, ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत। प्रोविंशियल स्टाइल मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर जो प्रोविंस होते हैं वहाँ पे, प्रोविंस कोई कंट्री भी हो सकता है। मुगल स्टाइल की अगर बात करें तो देखिए दिल्ली, आगरा, लाहौर। डेक्कनी स्टाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, अगर हम आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो आर्किटेक्चर है जौनपुर और बंगाल का वो भी आपको बहुत डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा और गुजरात में आपको बहुत सारी अलग जो वहाँ की लोकल स्टाइल है उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो वहाँ पे जो तोरणाज हैं, गेटवे जिनको बोलते हैं लोकल टेम्पल ट्रेडिशन में, उनको आपको एक मोटिव होते हैं जैसे एक डेकोरेशन की फॉर्म होता है, वहाँ पे आपको चैन ऑफ मोटिव्स देखने को मिलेगा और मेहराब आपको देखने को मिलेंगी और कार्ड पैनल्स मतलब ट्रीज़ के ऐसे कार्ड पैनल डिपिक्ट किए हुए देखने को मिलेंगे। और देखिए, प्रोविंशियल स्टाइल का एग्जाम्पल है एक दरगाह है जिसको शेख अहमद खाटू ऑफ सारकेज बोला जाता है, जो 15वीं सेंचुरी का वाइट मार्बल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सारकेज देखिए अहमदाबाद में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेकोरेटिव फॉर्म्स की बात करेंगे। देखिए, डेकोरेटिव फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो देखिए डेकोरेटिव जो फॉर्म्स थे उस टाइम पे वो मतलब डिज़ाइन किए जाते थे प्लास्टर थ्रो इनसीजन या फिर स्टूको। देखिए, स्टूको क्या होता है, एक तरह का प्लास्टर होता है जो यूज़ किया जाता है कोटिंग करने के लिए वॉल सरफेस को, और जो डिज़ाइन है वहाँ पे तो वो आपको लेफ्ट प्लेन और फिल्ड विद कलर्स भी दिखाई देंगे और जो मोटिफ हैं वो आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगा वहाँ पे, आपको पेंटेड भी मिलेंगे और कर्व्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे आपको वॉल पैनल पे जो सरफेस डेकोरेशन है वो एक टेक्निक है उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं टेशलेशन, और दूसरी टेक्निक है एक पैत्रादुरा। देखिए गाइस, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये टेक्निक डेकोरेटिव फॉर्म्स है। इस चैप्टर पे हम ताजमहल के बारे में भी बात करेंगे, मीनार्स के बारे में, टॉम्स के बारे में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं। और जैसे थोड़ा सा हमने आर्किटेक्चुरल जो इन्फ्लुएंस की बात करी ये सब है, तो ये आपका अगर मेंस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। लीजिए देखिए, टेसलेशन क्या होता है, टेसलेशन एक तरह का जैसे बहुत सारी शेप होती हैं और उनको मिला के मतलब मिलाया जाता है उन शेप्स को, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, जैसे कि सर्कुलर शेप हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो इन सब को मिलाया जाता है, मतलब ओवर
ओवरलैपिंग भी आप बोल सकते हो, लेकिन ओवरलैपिंग इतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई गैप नहीं देखने को मिलेगा आपको। और जो 15वीं, 14वीं, 15वीं और 16th, मतलब 14, 15, 16 जो सेंचुरी है, वहाँ पे सरफेस वॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, सरफेस वॉल्स पे डोम्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ब्लू, ग्रीन और येलो, और एक ट्रक्योस है। ट्रक्योस का मतलब होता है कि जैसे कलर होता है ग्रीनिश ब्लू होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कलर आपको भले ही ना पता हो, लेकिन आपको इतना सब पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लास्टर था, वो स्टूको के थ्रू। स्टूको क्या होता है? प्लास्टर होता है जिसको कोटिंग के लिए यूज किया जाता है वॉल सरफेस पे, एज ए मोल्डिंग की तरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, पैत्रादुरा के बारे में हम एक बार बात करते हैं। जो टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। देखिए, पैत्रादुरा जो टेक्निक होती है, एक डेकोरेटिव आर्ट होता है ये। इसमें क्या होता है, इस लेक्चर के एंड में मैं आपको शो करूंगा पैत्रादुरा की क्या होता है। देखिए, पैत्रादुरा जो टेक्निक होती है उसमें कट किया जाए, जैसे मार्बल को या पत्थर को कट किया, और कट करने के बाद उसमें कुछ फिट कर दिए स्टोन्स, ठीक है, तो उसको पैत्रादुरा टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए वहाँ पे आपको जाली वर्क भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, कैलीग्राफी आपको देखने को मिलेगा, एराबेस्क आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एराबेस्क जो होता है वो एक लीनियर पैटर्न ही होता है, और कैलीग्राफी का तो आप सभी को पता है कि कैलीग्राफी जो होती है वो एक तरह से राइटिंग होती है, जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्ट्स के बारे में, मीनार्स के बारे में, लेकिन कंस्ट्रक्टर, अगर हम कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल की बात करें, तो जो वॉल्स थे वो बहुत थिक आपको देखने को मिलेंगे, जो किससे बने होते थे, रबल मसोनरी, मतलब एक तरह से जो पत्थर होते हैं या फिर बड़े बड़े चट्टानों को काट के जो पत्थर पे काम किया जाता था, तो उनसे आपको वो देखने को मिलेगा। और देखिए, और उनको मतलब कोटेड किया जाता था, चूना जो होता है लाइमस्टोन प्लास्टर या जिस भी एरिया में जो उपलब्ध होता था तो वही यूज किया जाता था जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और स्टोन का यूज किया जाता था, और पॉलीक्रोम टाइल्स भी यूज करी जाती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइल कलर्स जो थे वो भी यूज करे जाते थे। और ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, 17वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ब्रिक्स का भी यूज होने लगा। तो देखिए, ब्रिक्स का यूज होने से क्या फ़ायदा है कि आप एक बहुत अच्छा कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक सेम साइज होता है, और अगर पत्थर की बात करें तो वो इतना आसान नहीं होता किसी भी चट्टान में सेम साइज़ के पत्थरों का साइज देना। अब हम बात करते हैं फोर्ट के बारे में। देखिए आपको, देखिए फोर्ट के बारे में आपको पता है कि कोई भी फोर्ट क्या सिंबलाइज करता है, सीट ऑफ पावर सिंबलाइज करता है किसी भी रूलर का, ठीक है। तो इसी में हम बात करेंगे कि जब एक फोर्ट को कैप्चर किया जाता था, इसका मतलब क्या है कि एक वहाँ पे जो राजा है वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद फोर्ट, और जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है वो लार्जेस्ट फोर्ट है एशिया का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनार्स के बारे में। देखिए, फोर्ट के बारे में गोलकुंडा फोर्ट हो गया, इन सब के बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मीनार्स के बारे में एक बार करते हैं। देखिए, मीनार एज ए फॉर्म ऑफ स्तंभा और टावर भी आप बोल सकते हो। ये जैसे एग्जाम्पल अगर लें हम मिडवल मीनार्स का, तो जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली में जो है, चांद मीनार है दौलताबाद में। तो ये एवरीडे जो होता है ना, अजान जो होती है, मतलब प्रेयर जो करते हैं इस्लाम धर्म में, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता। अब अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो देखिए, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार की अगर बात करें तो कुतुब मीनार जो है 13वीं सेंचुरी पे, एक सेंचुरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली सल्तनत रूलर थे, और कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश ने। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी हाइट 234 फीट हाई है। टावर जो है डिवाइडेड है 5 स्टोरीज में, और ये मिक्स है पॉलीगोनल और सर्कुलर शेप का, और इसमें मटेरियल रेड बफ सैंडस्टोन का यूज किया गया है, और हाईली डेकोरेटेड बालकनीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, चांद मीनार,
देखिए, आपको अगर इन मीनार्स के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन से नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा तो पता कर लेना आप। लेकिन जो मेन जो होता है, जैसे डेकोरेटिव फॉर्म हमने बात करा, तो इन सब के बारे में, क्योंकि आपको मेंस में या फिर कहीं पे जरूर, जैसे पैत्रादुरा टेक्निक के बारे में मिलेगा, अराबेस के बारे में देखने को मिल सकता है, या फिर टेसलेशन पूछ सकते हैं आपको, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं चांद मीनार के बारे में। देखिए, चांद मीनार जो है वो दौलताबाद में है, 15th सेंचुरी का अच्छा एग्जाम्पल है, और वो 4 स्टोरीज है। तो अगर आपको नहीं पता इतना, तो कोई बात नहीं है, ये कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए जो है वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं टोम्ब के बारे में। देखिए, टोम्ब्स जो होते हैं वो मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मकबरा होता है, तो वो ग्रेव्स जो होते हैं रूलर्स के, तो उनके ऊपर बनाए जाते हैं। और ये एक तरह से एक कॉमन मिडवल फीचर था इंडिया में। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो है उनका टोम्ब, हुमायूं का टोम्ब, अकबर का टोम्ब है, और उसके बारे में बाद में जैसे कि एक इमादुद्दौला का टोम्ब है। इमादुद्दौला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, एक ये बनवाया था नूरजहाँ ने बनवाया था, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ। और आप इन सभी टोम्ब के बारे में एक बार ध्यान से देखिए कि ये कहाँ कहाँ पे हैं और कौन सी शताब्दी में बनवाए गए थे, क्योंकि किसी अगर आप कोई किसी स्टेट पीसीस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा सब देखने को मिल सकता है। और एनसीईआरटी आप सभी को पता है कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। अब हम सराइज के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आपको सराय के बारे में। देखिए, सराय जो होते थे वो एक सेकुलर एज ए प्लेस होते थे, और वो यूज किए जाते थे कि भाई कोई भी बाहर से अगर बंदा आता है, कोई भी आता है बाहर से, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो लोग सराय में ठहरते थे। तो सराय एज ए सेकुलर प्लेस हम बोल सकते हैं, वहाँ पे ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स वो लोग ठहरते थे। एक मतलब क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम स्ट्रक्चर, कॉमन पीपल के लिए जो स्ट्रक्चर थे उनकी बात करते हैं, तो देखिए आपको मिक्सिंग ऑफ स्टाइल्स देखने को मिलेगा वहाँ पे, टेक्निक्स और डेकोरेटिव पैटर्न वहाँ पे बहुत आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर था मिडवल पीरियड में। तो आप सरायज को और इन सबको बोल सकते हो, क्योंकि सराय जो है एक कॉमन पीपल के लिए ही यूज, कॉमन हो चाहे कैसा भी आदमी हो, अगर बाहर से ट्रेवल करके आता है और उनके ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो वो सराय में ही ठहरता। तो एक बहुत अच्छा सेकुलर एग्जाम्पल है ये, तो आप इसको ध्यान रखना। अब हम जामा मस्जिद के बारे में, देखिए जामा मस्जिद के बारे में आई थिंक आपको पता है, और नहीं पता तो आप थोड़ा सा पता कर लीजिए कि जामा मस्जिद, हमारे देश में बहुत सारे जामा मस्जिद है, और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। आई थिंक आप सभी को पता है, शाहजहाँ ने बनवाया था 1650 से 1656 के बीच में, और ओरिजिनली इसको मस्जिद जहानुमा कहा जाता है। ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था, रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ऐसी चीज़ें यार जो कॉमन होती है ना, कि किसी भी एक रूलर ने तीन चार चीज़ें बनवाई हो, उनका नाम जरूर आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छा, जो इस चैप्टर में सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ मांडू मध्य प्रदेश। देखिए, मांडू आपको पता है जैसा कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मांडू है इंदौर के पास ही है, अराउंड 60 माइल्स है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये पता करने की 60 या 50 माइल्स है, कितने फीट एलिवेशन है उसका। लेकिन अगर स्पेशल अब पूछ लिया जाए मांडू के बारे में, आर्किटेक्चर ऑफ मांडू के बारे में, तब आप थोड़ा सा अगर ये सब लिखेंगे तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मांडू जो है 60 माइल्स है इंदौर से, जो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो परमारा, राजपूत जो हैं, अफगान्स हैं, मुगल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे राज किया है। और ये कैपिटल भी रही है ग्योरीड, जो गोरी डायनेस्टी है 1401 से 1561 तक, जिसको फाउंड किया था होशांग शाह ने, तो उनकी कैपिटल भी रहा है, और एक ग्रेट एग्जाम्पल है प्रोविंशियल स्टाइल का। तो आप ये देख लीजिए कि मांडू एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोविंशियल स्टाइल का। और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाए गए हैं वो जैसे कि आर्क्ड पवेलियन पाए गए हैं, लाइट सैरी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे आपको एक लाइटी वर्क देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा जैसे कि मार्बल्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी डेकोरेटिव फॉर्म्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, लोकल स्टोन वहाँ पे यूज किया गया है मार्बल्स का, जैसे हमने बात कर ली है। और एक ग्रेट मतलब एग्जाम्पल है अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जैसे एक हिंडोला महल है। देखिए, हिंडोला महल है एक मतलब ऑडियंस हॉल है, वो जो एक हिंडोला महल एक ऑडियंस, हिंडोला महल जो है एक ऑडियंस हॉल है, सुल्तान, वहाँ के जो सुल्तान हैं उनके द्वारा बनाया गया। और
ये जो यूज किया जाता था मतलब एज ए हिंडोला, मतलब स्विमिंग वॉल्स, मतलब एक स्विमिंग की तरह, जैसे कि एक हम जो स्विम करते हैं वैसे ही, मतलब उसी टाइप में ये बनाया गया हिंडोला महल, ठीक है। और इतना इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा नहीं होता है, बस आपको थोड़ा आर्किटेक्चर वर्क पता होना चाहिए कि क्या सब किया गया है। मॉस्क वहाँ पे हैं, वहाँ पे रिजर्वायर आपको देखने को मिलेंगे, बाउडीज देखने को मिलेंगी, बस इन सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जहाज महल के बारे में। देखिए जैसा कि जहाज वर्ल्ड है, जहाज का मतलब होता है शिप, तो वैसा ही आकार में वैसे ही इस महल को बनाया गया है। और यहाँ पे आपको टू रिजर्वायर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ओपन पेवेलियन मिलेंगे, बालकनीज टेरेस सब देखने को मिलेगा। ये बनाया गया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, और ये मतलब यूज करते थे एज ए हैरम। हैरम हैरम होता है देखिए, जो मुस्लिम वुमेन्स होती थी और या फिर मुस्लिम जो वाइफ्स होती थी या कोई भी जो फीमेल होती थी मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड, तो उनके लिए हैरम होता है, एक तरह से अलग सा प्लेस होता है, मतलब प्राइवेट, तो प्राइवेट भी बोल सकते, मतलब स्पेशल उनके लिए होता है ये एक प्लेस। और यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, और रानी रूपमती का भी मतलब एक पवेलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रानी रूपमती की देख बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, रानी जो रूपमती हैं वो एक बहुत अच्छी मतलब एक कवित्री रही हैं। और यहाँ पे आपको बाज बहादुर का प्लेस मिलेगा, अशरफ महल जो एक मदरसा है वो देखने को मिलेगा, होशांग शाह का टोम्ब आपको देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा अफगान स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पे एक मैजेस्टिक वर्क मिलेगा देखने को, तोरणाज काउड ब्रेकर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जामा मस्जिद भी एक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेहराब एज ए लोटस बज फ्रिंज मतलब महराज देखने को मिलेंगे आपको। महराज के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में बात करेंगे कि मिहराब क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ताजमहल के बारे में। देखिए ताजमहल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप सभी को पता है, मुगल एम्परर जो हमारे रहे हैं शाहजहां, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया गया। 62 एट ए टोक मतलब 20 ईयर्स का इसमें टाइम लगा बनने में, और जिसको 20 हज़ार के आसपास वर्कर्स ने अंजाम दिया इस काम को। तो इतना सब अगर नहीं पता तो बस ताजमहल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है वहाँ पे, थोड़ा सा जैसे कि वहाँ का जो पत्थर है मकराना माइंस राजस्थान से, क्योंकि पीसीएस में पूछ लेते हैं ऐसी छोटी चीज़ें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक बहुत अच्छा मतलब स्ट्रक्चरल वर्क ऐसा आपको शायद ही भारत में कहीं पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मतलब कि एक टॉम्ब देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि क्रॉस क्रिस्ड पाथवेज आपको वाटर क्रॉसेज, और यहाँ पे जो गार्डन है फॉर चार बाग का मतलब होता है, एक चार बाग मतलब छोटा गार्डन है वो चार बाग की तरह, मतलब अलग अलग चार हिस्सों में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक मॉस्क देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल वर्क देखने को मिलेंगे जिनसे आपको मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं। इस आपको कैलीग्राफी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब कि बहुत कुछ इतना आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये इस्लामिक है या फिर इंडो मतलब स्पेसिफिक है, मतलब यहाँ पे आपको एक मिक्स आर्किटेक्चर का एग्जांपल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए गोल गुम्बद, देखिए गोल गुम्बद की अगर बात करें तो ये कर्नाटका में है, बीजापुर आपको पता है कर्नाटका में पड़ता है, और इसको बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था इसको। टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हैं वैसे तो 1626 से 1656 तक जो रहे थे, और ये आदिल शाह डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये मतलब 200 फीट इसकी हाइट है, और ये एक स्क्वायर टॉम्ब जो है, एक स्क्वायर एज ए चैम्बर है। तो ये सब अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा बस ये होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है गोल गुम्बद जो है ये कहाँ पे पड़ता है, लोकेशन पता होनी चाहिए, बीजापुर कर्नाटका, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मिक्स है बहुत सारी स्टाइलों का, इंक्लूडिंग वहाँ की लोकल स्टाइल, तिमुरिद और पर्शियन स्टाइल का। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है, लेकिन एंड होने से पहले हम बात करते हैं। देखिए ये जो टेक्निक आपको दिख रहे हैं कि पत्थर को काट के उसके अंदर स्टोन को ऐसे फिट किया जाए, इसको बोलते हैं पैत्रादुरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए ये एक जाली वर्क है जो आपको देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो गाइज ये बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, पैत्रादुरा हो गया जैसे, ये जाली वर्क हो गया, और ये है मेहराब। देखिए गोलकुंडा फोर्ट जो था हमारा, इसमें भी देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो ये एंट्री गेट भी है, लेकिन ऐसी ही शेप का आपको अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है।
जैसे कि दीवार के ऊपर किसी भी मॉस्क मस्जिद में, तो मेहराब जो होता है ना, एक मतलब सेमी सर्कुलर वॉल, मतलब सेमी सर्कुलर वॉल ही, वॉल पे एक सेमी सर्कुलर शेप होती है वॉल के ऊपर मॉस्क के अंदर, जो इंडिकेट करती है किबला को। किबला क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ काबा इन मक्का, ठीक है। मतलब कि जो मुस्लिम जब प्रे करते हैं तो ये माना जाता है कि जो वो जो प्रे कर रहे हैं तो उनका जो फेस है वो इसकी तरफ होना चाहिए, मतलब मेहराब की तरफ। और मेहराब किधर डायरेक्शन शो करता है, ये काबा की तरफ डायरेक्शन शो करता है, जो कि मक्का में है। और अगर आप देखेंगे काबा को मैप में देखेंगे गूगल करके, तो आपको देखने को मिलेगा रेड सी के पास में, मतलब सऊदी अरेबिया में, जो पोर्शन सऊदी अरेबिया का रेड सी की तरफ है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती है गाइज, आप उनको मैप में देख लीजिए, कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऐसे भी एग्जाम्स में। इसी के साथ हमारी फाइन आर्ट बुक का ये जितने भी 8 चैप्टर हैं वो सब खत्म होते हैं, और मैं आपका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहां से जाके सभी लेक्चर देख सकते हैं। आपके अगर कोई सजेशन सुझाव हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।